हाँ यार वो तो शिट यार, ये मेरा फोन कहाँ दलदल में गिर गया। शिट, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, क्या करूँ यार। या तो यार सांप भी हो सकता है यार, मैं क्या करूँ, मेरा फोन गिर गया, समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अरे भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो ना मेरा फोन एक्चुअली यहाँ खाई में गिर गया और मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है, आप प्लीज मेरा फोन निकाल लो यहाँ से। कितनी गंदी बात आ रही है मैडम, इसमें तो बहुत गंदी बात आ रही है और ये तो दलदल है, मैं इसमें से कैसे निकाल सकता हूँ। और देखो इधर सांप के बिल भी है, वो मुझे काट लेंगे तो। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी में भी जाना है, मैं अपना फोन खुद निकाल लेती लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। प्लीज भैया मना मत करो, मेरा फोन बस वहीं गिरा हुआ है, आप प्लीज निकाल लाओ। और यहाँ देखो कितने सांप भी हो सकते हैं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज भैया। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा कितनी गहरी खाई है और उधर दलदल भी है और यहाँ झाड़ियाँ भी है और सांप के बिल भी है। अगर मैं आपको फोन निकाल भी दूं और मुझे कुछ हो जाए फिर आप क्या कर लोगे और इसमें मेरा क्या फायदा। भैया प्लीज मुझे मना मत कीजिए, इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी, आप तो मेरा फोन निकाल दीजिए। क्या पैसे, वैसे कितने रुपए दोगे आप मुझे ये निकालने के। ठीक है भैया मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी, आप उसे निकाल दो। क्या 500 रुपए, मैडम अपनी जान को खतरे में डाल के मैं आपका फोन लेके आऊंगा और आप मुझे 500 रुपए ही दोगे। नहीं मैम 500 में काम नहीं चलेगा, 1000 दोगे तो मैं आपका फोन ला सकता हूँ। क्या 1000 रुपए, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, 500 रुपए में मेरा फोन निकालना है तो निकाल दो वरना आप जाओ यहाँ से। अच्छा आप 1000 रुपए नहीं दोगे तो ठीक है मैं चलता हूँ, आप अपना फोन खुद ही निकाल लो। अरे नहीं नहीं भैया रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगी, आप मेरा फोन निकाल दीजिए। ठीक है आप यही रुको, मैं आपका फोन लेके आता हूँ। यार ये तो बहुत गहरी दलदल है, इधर तो सांप भी है, अगर मैं गया और मुझे कुछ काट लिया या फिर मैं अगर दलदल में डूब गया तो। पर यार पैसों की भी जरूरत है, आज दिहाड़ी भी नहीं बना, फोन ही निकाल देता हूँ। बस आ गया। ये लो मैडम जी आपका फोन ले आया मैं। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरा फोन ले आए, ये लो आपके पैसे। ये क्या 100 रुपए, पर बात तो 1000 रुपए की हुई थी ना। ये क्या आपने मेरे से काम भी करवा लिया और 100 रुपए दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है मैम। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, फोन निकालने में आपको 2 मिनट ही तो लगे हैं और 2 मिनट के आप 1000 रुपए मुझसे मांग रहे हो, जो मैंने दे दिया है ना वो रख लो ठीक है आपके लिए। अरे मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, एक तो मैं अपनी जान को खतरे में डाल के आपका फोन लेके आया और आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो, अगर वहाँ पे मुझे कुछ हो जाता तो आपके 1000 रुपए काम आते क्या। हो जाता तो ना, हुआ तो नहीं है ना, 2 मिनट में मेरा फोन निकाल के सही सलामत तो मेरे सामने खड़े हो, उसके लिए तुम्हारे लिए 100 रुपए ही ठीक है, कोई 1000-1000 रुपए नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ आप मेरे को मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। अच्छा तो जा नहीं दे रही तेरे पैसे, बता क्या कर लेगा बता ना। अरे भाई साहब क्या हो गया, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो। अरे देखो ना भैया मैडम का फोन ना खाई में गिर गया था और मैडम ने मुझसे बोला अगर ये मेरा फोन निकाल देते हो तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी और मैं अपनी जान को खतरे में डाल के इनका फोन लेके आया, निकालने के बाद कह रही है ये 100 रुपए रख लो, बताओ भैया ऐसा कोई होता है क्या। अरे भाई तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैडम ना तुम्हारे को पूरे पैसे देंगी। और हाँ मैडम जब ये खाई में से आपका फोन निकाल के लाया है तो आप इसको पूरे पैसे दो ना। अरे आप चिंता मत करो भाई, मैडम बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, मैडम अच्छे पैसे देंगी तुम्हारे को जितने बोली है। तू है कौन बे और तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला, बात हम दोनों के बीच में तय हुई थी, अब उस काम के मैं इसको 100 रुपए दूं या 1000 रुपए, तू अपने काम से काम रख। अरे देखिए मैडम आपको ना इस गरीब के इसके हक के पैसे आपको देने ही होंगे। अच्छा तो नहीं दे रही मैं इसके पैसे, बता अब क्या कर लेगा तू, और तू है कौन बे, कोई प्रधानमंत्री है क्या यहाँ का, जो करना वो कर ले, कोई पैसे नहीं देने वाली मैं इसको। ओ व्हाट द हेल, क्या किया तुमने ये।
अबे वही तू पागल है क्या? अभी इतनी मुश्किल से तो इसने मेरा फोन वहाँ से निकाल के दिया था, अब तू निकालेगा क्या मेरा फोन वहाँ खाई से, बेवकूफ कहीं का। अरे मैडम चुप करो तुम, आप जब किसी गरीब के हक के पैसे दे नहीं सकते हो ना, तो किसी गरीब को काम भी मत बोला करो। और सामने देखो कितनी गहरी खाई है, उसके अंदर दलदल भी है, सांप के बिल भी है। अगर ये गरीब वहाँ पे जाता और इसको किसी सांप ने काट लेता या दलदल में फंस जाता या खाई में गिर जाता, तो क्या आप इसका इलाज करवाती? आप तो भाग जाते हैं यहाँ से, और आप इसको 100 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये से क्या इसका इलाज हो जाता? अरे मैडम आप कुछ तो शर्म करो, ये बेचारा इतनी मेहनत से खाई में उतर के गया, अगर मान के चलो इसका पैर स्लिप हो जाता, इसका पैर टूट जाता, तो क्या आप इसका इलाज करा देती, या फिर आपका ये 100 रुपये में इलाज करवा लेता अपना? और तुमने मैडम जितने बोले थे इसको पैसे देने के लिए, उतने पैसे तो दो। और भाई सुनो मेरी बात, ये मैडम तुम्हारे से बोले ना दोबारा कि खाई में जाके फ़ोन निकाल के ला, फ़ोन निकालने मत जाना। और ये जो पैसे दिए ना तुम्हारे को, ये पैसे तुम अपने पास रखो, समझे तुम? और मैडम तुम तो मेरे को इतने अच्छे घर से लग रही हो, और फिर भी तुम इस गरीब के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अब मैडम तुम खुद जाके खाई में अपना फ़ोन निकालोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बेचारा कितनी मुसीबत से तुम्हारा फ़ोन निकाल के लाया था। और भाई तुम चलो यहाँ से, इसको जैसे फ़ोन निकालना होगा ना, खुद निकाल लेगी अपना फ़ोन जाके, चलो। इन्होंने मेरा फोन फिर खाई में फेंक दिया, अब कौन निकालेगा इस खाई से? यार यहाँ तो सांप भी पक्का होंगे, क्या होगा, मुझे पार्टी में भी जाना है, मुझे उसकी मेहनत के पैसे दे देने चाहिए थे, मेरी ही गलती है, अब तो कोई दिख भी नहीं रहा यार यहाँ पे।